करंट इंस्टेंटेनियस आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी में, इसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, ये पी क्या मैक्सिमम करंट है। लेकिन क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट अपनी वैल्यूज को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है, तो हमने एक डेफिनेशन की थी किसकी, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ करंट की। मीन वैल्यू ऑफ करंट की डेफिनेशन थी आई डी टी की इंटीग्रेशन हाफ साइकिल के लिए 0 से T/2, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेके T/2। आप इस आई की जगह ये पूरी वैल्यू को पुट करें, इंटीग्रेट करें, और हमारे पास एवरेज वैल्यू की वैल्यू क्या आई थी, 2/π (I₀। ये पहला फॉर्मूला था। या फिर एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू थी 0.637 × I₀। इसे सॉल्व करेंगे 2/π तो ये आएगा। तो ये फॉर्मूला याद करना था आपने, तो जिसके अंदर जो भी आपकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू रही होगी I₀ पीक वैल्यू, उसको 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट की एवरेज वैल्यू आएगी ओवर हाफ साइकिल। लेकिन फिर हमने कहा था बिल्कुल इसी तरीके से, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एवरेज वैल्यू ऑफ EMF निकालनी है तो एवरेज वैल्यू ऑफ EMF निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, EdT की इंटीग्रेशन करनी है 0 से लेके T/2 तक, डिवाइडेड बाय dt 0 से लेके T/2 तक। तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके E की जगह क्या पुट करेंगे, E₀ साइन ऑफ ओमेगा टी पुट करेंगे, तो आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ EMF आएगी 2/π (I₀) मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ EMF आएगी 0.637 × I₀। तो ये आपके पास एवरेज वैल्यू आएगी, ये याद करने को कहा था। उसी तरीके से आपको ये सिखाया था कि अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिंग करंट है I=I₀ साइन ऑफ ओमेगा टी, और आप कौन सी वैल्यू निकालना चाहते हैं, IRMS या फिर IEffective या फिर IVirtual, एक ही बात है। तो इसको निकालने का क्या तरीका था, अंडर रूट ऑफ I²dt की इंटीग्रेशन करनी होती है 0 से T कंप्लीट साइकिल के लिए, 0 से T तक। तो अगर आप इस I की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो RMS वैल्यू या वर्चुअल इफेक्टिव वैल्यू आती है I₀/√2 या फिर 0.707 × I₀, एक ही बात है। उसी तरीके से RMS की वैल्यू भी ऐसी आती है E₀/√2 या फिर 0.707 × I₀। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, गुड आउट इसमें। तो इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपकी शीट नंबर 87 है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मीन अफेक्टिव या इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। फॉर्मूला यूज मैंने आपको बता दिए, आपने क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। देखो जब कुछ भी मेंशन ना हो, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक मेन 220 वोल्ट पे एसी है। अब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ तो कई तरीके की होती है, इंस्टेंटेनियस भी होती है, मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, मीन वैल्यू भी होती है, एवरेज वैल्यू भी होती है, ये कौन सी वैल्यू है, जब कुछ ना मेंशन हो तो आरएमएस वैल्यू है। तो ये 220 वोल्ट क्या है, ERMS है, और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखनी है। तो इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E₀ साइन ओमेगा टी। आपको इसके लिए क्या चाहिए, E₀। आपको क्या गिवन है, ERMS। अब आपको ये पता है ERMS होता क्या है, E₀/√2। तो E₀ क्या होगा, √2 × ERMS। तो √2 × ERMS, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, E₀। और ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है, 2π × फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको 50 पता है, तो यहाँ वैल्यू पुट करके 2π × 50T आंसर आपके सामने है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
क्या है क्वेश्चन नंबर टू? इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स एट 12 वोल्ट DC. देखो ये AC नहीं है, इंपॉर्टेंट है. ये बल्ब किस पे चलता है? 12 वोल्ट DC पे चलता है. इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, लेकिन चला किस पे रहे हैं इसे? AC पे. एंड गिव नॉर्मल ब्राइटनेस, चल भी रहे आम, बिल्कुल ठीक ब्राइटनेस दे रहे, तो उस केस में पीक वैल्यू ऑफ सोर्स क्या है? EMF की पीक वैल्यू क्या है? E0 की वैल्यू क्या है? अब हमें AC का तो कुछ गिवन नहीं, DC का गिवन है. DC वोल्टेज कांस्टेंट होती है 12 वोल्ट जैसे इसके अंदर गिवन है, तो AC की कौन सी वैल्यू DC को कॉरस्पॉन्ड करती है या मैच करती है? ERMS. ERMS एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये वही काम करती है जो इलेक्ट्रिसिटी में DC करता था. तो अगर आपको कंपेयर करना हो DC से AC वैल्यू, तो ERMS को DC के साथ कंपेयर करना है. तो इसका मतलब इसको क्या मिल रही है? ERMS की वैल्यू 12 वोल्ट मिल रही है. और अगर आपको ERMS पता है तो ERMS होता क्या है? E0/√2. तो E0 क्या होगा? √2 × ERMS. मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी ERMS की. ठीक, थर्ड क्वेश्चन. The peak value of an alternating voltage applied to 50 ohm resistance is given. तो क्या value given है? E0 की value given है 10 volt. Find the RMS current. देखो एक point को समझ लो, ये बहुत important है. अगर आपको question के अंदर E0 given है और आप resistance से divide करें, तो आपके पास क्या आएगा? I0. आप EMF मैक्सिमम यूज करेंगे तो करंट भी मैक्सिमम ही आएगा. अगर आप ERMS यूज करें और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करें, तो I भी क्या आएगा? RMS ही आएगा. अगर आप यहां पर यूज करें मीन वैल्यू और रेजिस्टेंस से डिवाइड करें, तो यहां पर भी क्या आएगा? मीन वैल्यू ही आएगी. क्लियर है यहां तक? तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो आप जो भी EMF पुट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या आएगा? करंट आएगा. कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? ठीक है. तो अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? मेरे को इस क्वेश्चन में गिवन है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट. पीक वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है. इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन होती क्या है? I0 sin ω t, यही होती है. तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा पहले? I0. क्वेश्चन में E0 पता है, R पता है. E0 को R से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? I0. तो पहला स्टेप क्लियर है, I0 आ गया. ओमेगा चाहिए होगा आपको, तो इसमें दो पार्ट्स निकालने हैं, रादर RMS करंट भी निकालना है. एक बार I0 आ गया तो इसको I0/√2 या 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे I0 को, तो RMS भी आ जाएगा. फिर I0 sin ω t में I0 को पुट करेंगे. ओमेगा क्या होता है? 2π × फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो पुट करके आपके पास क्या आएगा? करंट भी आएगा. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 देखें प्लीज.
तो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो ये साइनोसॉइडल करंट है ही नहीं, साइन वेव की तरह चल ही नहीं रहा, इसमें करंट कैसे चल रहा है? ये करंट 2 एम्पियर है कुछ देर के लिए, फिर -2 है कुछ देर के लिए, फिर 2 एम्पियर है कुछ देर के लिए। इसमें तीन ही वैल्यूज ऑफ करंट है, 2, -2 और 2, और कोई करंट है ही नहीं और कॉन्टिन्यूसली चेंज ही नहीं कर रहा। तो आरएमएस करंट कैसे निकलता है अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है? तो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट करंट का स्क्वायर, सेकेंड करंट का स्क्वायर, थर्ड करंट का स्क्वायर का एवरेज। एवरेज लेने के लिए 3 से क्या किया? डिवाइड का अंडर रूट। तो रूट मीन स्क्वायर। तो आपने कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है तीनों करंट की, स्क्वायर करना है, 3 से डिवाइड करना है, अंडर रूट करना है आंसर। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कि अगर स्क्वायर वेव, इसको स्क्वायर वेव बोलते हैं, स्क्वायर वेव में करंट कैसे, आरएमएस कैसे निकलता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है? इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक करंट है आई नॉट, स्मॉल टी अपॉन टाउ, टाउ कुछ भी कोई नंबर है, कांस्टेंट है। तो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इस बार आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी इस बार कुछ भी टाइम वेरिंग करंट है। कैलकुलेट आरएमएस करंट फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टाउ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है, आपको क्वेश्चन में गिवन है इंस्टेंटेनियस करंट क्या गिवन है, आई नॉट टी अपॉन टाउ, और आपको क्या निकालना है, आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम इज इक्वल टू टाउ, यही क्वेश्चन है। तो जब टाइम के साथ करंट चेंज हो तो आर एम एस करंट को कैसे लिखा जाता है? अंडर रूट ऑफ आई स्क्वेयर डी टी की इंटीग्रेशन, टाइम की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टाउ तक, 0 से लेके टाउ तक, ऐसे बनेगा फॉर्मूला पहला। फिर आई की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आई क्या गिवन है, आई नॉट का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टाउ का स्क्वायर, डी टी 0 से लेके टाउ, और ऐसी इसकी इंटीग्रेशन तो टाउ ही हो जाएगी, बातें खत्म करो, ये पार्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट है, इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है, आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, टाउ का स्क्वायर भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन और रादर टाउ स्क्वायर इंटू टाउ कर लो, क्योंकि ये टाउ और टाउ स्क्वायर मल्टीपल टाउ क्यूब हो जाएगा, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी 0 से लेके टाउ तक। अब यहाँ से कॉमन आ गया, आई नॉट अंडर रूट से बाहर निकल आया और टाउ को अंदर रहने दो, कोई बात नहीं, 1 अपॉन टाउ का क्यूब कर लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी क्यूब बाय 3 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टाउ तक। तो जब आप टाउ यहाँ पर पुट करोगे टाउ क्यूब आएगा, टाउ क्यूब से ये टाउ क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 1/3, तो आंसर फाइनल क्या आएगा, आई नॉट बाय रूट 3 इज द आंसर। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कुछ भी नहीं करना, उसने जानबूझ के आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी देने की बजाय कुछ नया फंक्शन दे दिया, तो जो भी फंक्शन देगा आप यहाँ पर पुट कर लें, इंटीग्रेट के आंसर आ जाएगा। मेथड सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन है इफ अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, अफेक्टिव वैल्यू का मतलब आरएमएस वैल्यू, इफ अफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है, गिवन है तो अफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन, व्हाट इज द पीक वैल्यू, तो आसान है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नॉट क्या होगा, रूट टू इंटू आई, अफेक्टिव, एक आंसर। नेक्स्ट है मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, अब मीन वैल्यू हमने याद की थी 0.637 इंटू आई नॉट, आई नॉट हम निकाल चुके हैं, मीन वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट एट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज जीरो, तो पता है कौन सा करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू दी जा रही है 1/300, तो हम क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस में, हम फॉर्मूला यूज करेंगे आई इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे आई नॉट की, इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी की, और किसकी वैल्यू पुट करेंगे टाइम की 1/300, जिसके ऊपर हमने आई की वैल्यू निकालनी है, तो जब सारी कैलकुलेशन होगी तो पाई बाई 3 60 डिग्री, तो 60 डिग्री साइन 60 डिग्री क्या रूट 3/2, आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, ठीक है यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को अगर कंपेयर करेंगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से, तो ई नॉट की वैल्यू क्या है 140, और कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू क्या है 300, तो ओमेगा भी आ गया, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कंपेयर करके इसको इससे कंपेयर करके ई नॉट भी आ गया और ओमेगा भी आ गया, ई नॉट भी आ गया और ओमेगा भी आ गया, तो पहला पार्ट क्या है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालो, ये जो वैल्यू 140 आई यही क्या है इसकी पीक वैल्यू, सेकंड पार्ट है आरएमएस वैल्यू निकालो, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट बाय रूट टू, एक और आंसर आ गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी निकालो, क्योंकि आप ओमेगा निकाल चुके हो, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस आर गिवन है, अब कुछ मेंशन नहीं है 220 वोल्ट, तो कौन सी वैल्यू है ई आरएमएस फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द आरएमएस करंट, मैंने क्या सिखाया था अगर ई आरएमएस को आर से डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिकली आई आरएमएस आ जाएगा, एक आंसर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम करंट इन द रेजिस्टर, तो आई आरएमएस आ गया तो आई नॉट तो आई जाएगा रूट टू इंटू आई आरएमएस, एक और आंसर आ गया आई नॉट। नेक्स्ट है
टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, तो क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस टाइम। तो आपको थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? टाइम निकालना है जब इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो जाएगा आई आरएमएस। अब इंस्टेंटेनियस करंट होता क्या है? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई की जगह क्या पुट करना है? आई आरएमएस इज आई नॉट इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी। आई आर एम एस होता क्या है? आई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू आई नॉट इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी। आई नॉट से आई नॉट कैंसल, तो वन बाई रूट टू इज इक्वल टू क्या? साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन थीटा वन बाई रूट टू का मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब ओमेगा टी कितना? पाई बाय 4। अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं इसमें? 2 पाई इन टू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ से टाइम क्या आएगा? पाई बाय 4 इंटू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। अब क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी गिवन है, टाइम आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? तो इंस्टेंटेनियस टाइम की वैल्यू निकालनी है, नहीं इसमें स्मॉल टी निकालना है। हाँ, स्मॉल टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। आपको टाइम बताना है जब करंट आई आर एम एस हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट में आई आर एम एस पुट कर लेंगे। तो सोल्यूशन बड़ा अजीब सा गिवन है इसमें, पर मैंने अपना सोल्यूशन इसमें अपना किया है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? तो एट एग्जाम्पल ठीक है बस। तो इसके बेस पे आपको एक शीट मिली है, शीट नंबर 55 आपका होमवर्क है। तो इसी की कॉपी है, ये सॉल्वड है, वन सॉल्वड है। तो आपको प्लीज़ वो अगली बार ट्राई करनी है ताकि अपने हाथ से आइडेंटिफाई कर सको ई नॉट या ई आर एम एस की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगली बार को करके आनी है। क्वेश्चन नंबर 6, अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 साइकिल एसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, 50 साइकिल एसी का फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, इज 5 एम्पियर। अफेक्टिव का मतलब आई आर एम एस है। वॉट इज द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0। अब आपको क्या करना है? इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है जब टाइम की वैल्यू कितनी है? 1/300। अब वो क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन क्या किया था? अभी हमने क्वेश्चन 1/300 वाला किया था, उसमें क्या किया था? आफ्टर इट वॉज आई नॉट, मैक्सिमम से जब नीचे आया था। इसमें क्या है? आफ्टर इट वॉज 0। तो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन पुट करनी है, टाइम की वैल्यू क्या पुट करोगे? करोगे तो 1/300 ही करोगे। आंसर क्या आ रहा है? तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू पुट करनी है इसमें, चेक करना है एक बार। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया उस शीट में अंदर भी है सारे क्वेश्चंस, ट्राई करने हैं।